जैसलमेर टीना डाबे की जगह आशीष गुप्ता ने कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना प्राथमिकता, पर्यटन को पंख लगाने के प्रयास कलेक्टर। बहुचर्चित आईएएस टीना डाबे के गर्भवती होने के बाद छुट्टी पर जाने से खाली हुई जिला कलेक्टर की कुर्सी पर आज नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने पर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान सहित जिले के कई अधिकारी उनका स्वागत करने कार्यालय पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि जैसलमेर जिला बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए टीमें गठित कर टीम वर्क किया जाएगा। चूंकि जैसलमेर पर्यटन स्थल है तो मेरा प्रयास रहेगा कि स्वर्ण नगरी जैसलमेर को पर्यटन क्षेत्र में नए पंख लग सके। कार्यभार जिले का संभाला है हाल ही में, और जो प्राथमिकता रहेगी वो सरकारी जो स्कीम्स हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन सबका क्रियान्वयन सही तरीके से हो जिले में, और जो आखिरी आदमी है, आखिरी छोर पे जो इस विशाल जिले के बैठा है, उसको उन स्कीम्स का जो बेनिफिट मिले और बेनिफिट टाइमली मिले और जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप मिले, ऐसा मेरा जो है और मेरी पूरी जो टीम है जिले की उसका ये प्रयास है। बहुत बड़ा भूभाग है जिले का, पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है, तो दूर दराज के गांव तक क्या प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ तक पकड़ सकते, पहुँच सकते? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, और सबसे बड़ा चैलेंज ही यहाँ पर यही है कि लास्ट माइल तक कैसे पहुँचा जाए। उसके लिए जो सारी इकाइयाँ हैं सरकार की, जो भी डिपार्टमेंट है, उनको एक टीम के रूप में हम देखें, और कोई भी किसी का भी प्रोग्राम अगर है एक इकाई का है तो बाकी भी उसको सपोर्ट करें, तब जाके जो है वो एक मूवमेंट बनती है। यही हमारा प्रयास रहेगा, एकजुट होकर एज ए टीम हम वर्क करें, और गवर्नमेंट प्रेजेंस जो है वो है हर जगह, लेकिन उसको एक्टिवेट करें और जो है लास्ट माइल तक पहुँचे। जैसलमेर एक पर्यटक नगरी भी है, यहाँ जैसलमेर में हजारों विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं, निहारने के लिए आते हैं, उसके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी जैसलमेर के लिए? आपकी बात बिल्कुल सही है कि पर्यटन नगरी भी है जैसलमेर, और इसमें जो प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि कैसे हम जो सैलानी आते हैं उनके लिए हैसल फ्री सीमलेस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहे, कि उनको कम से कम परेशानी हो, और जिस चीज़ के लिए वो आए हैं पर्यटन के लिए वो उसी अनुरूप उनको मिले, ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ऐसा हम प्रयास करें। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर में है, कितने बड़े चैलेंज रहेंगे उसके लिए आप कितने मुस्तैद नजर आओगे? देखिए मैं अगेन यही कहना चाहूँगा कि टीम वर्क यहाँ पे, क्योंकि BSF की बहुत हेवी प्रेजेंस है, तो उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, और जो भी इशू आएगा उसको चैलेंज जो भी आएगा उसको फेस करेंगे। धन्यवाद।